सोलन में कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जहां एक ओर सम्मानित किया गया, वहीं केक काटकर उन्हें महिला दिवस की बधाई भी दी गई। महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सोलन नगर निगम के प्रभारी राजेंद्र राणा, सोलन के विधायक कर्नल धनीराम चांडिल और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद विशेष रूप से उपस्थित रहे। कांग्रेसी नेताओं ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया और बताया कि आने वाले चुनावों में झांसी की रानी बनकर उन्हें चुनाव लड़ना है और जीत हासिल करनी है। प्रभारी राजेंद्र राणा और विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सोलन में महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया, उन्हें आदर सम्मान दिया गया और उनके हाथों से केक कटवाकर इस दिन को यादगार बनाया गया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन के चुनावों में 17 वार्डों में से 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दे रहा है। उनके जोश को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस इस बार नगर निगम पर अवश्य कब्जा करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस पर जो है सोलन के मुख्यालय में आज जो है हम सब लोगों ने मिलकर जो है महिला दिवस मनाया है और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक भी काटा है और सभी ने इस समय खुशी का इजहार किया है। और जहाँ पूरे दुनिया में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारे देश में भी महिलाएं जो है किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारें भी उचित कदम उठा रही हैं। वहीं पर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, नगर निगम के चुनाव में 9 वार्ड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और मैं देख रहा हूं कि यहां पर सोलन में सभी कार्यकर्ताओं में और ख़ासतौर पर महिलाओं में इस चुनाव को लेकर बहुत जोश है और बड़े जोश के साथ ये चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तो चुनावों में मुझे लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पुण्य दिन है, सारे संसार में ये दिन बहुत खुशी से मनाया जाता है। हम जैसे कहे, जैसे राणा साहब ने अंदर कहा कि यत नारयन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और ये हमारे ऋषि परंपरा और बहुत वैदिक काल से चली आ रही परंपरा भी है कि हम बिना नारी के जब तक उनका स्थान ना हो, जब तक प्रेजेंस ना हो, तब तक कोई यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता। और आज तक भी जो नारी का योगदान रहा है भारत के, मैं समझता हूँ कि संविधान से लेकर, चाहे वो सरोजिनी नायडू जी थी, चाहे आज हमारी महिला इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इतिहास बना गई, चाहे मार्गरेट थैचर ने बनाया, चाहे पालबा जी ने बनाया, कहने का मतलब ये कि आज तक जो हम पूरे भारत में भी देखें, अपने देश में देखें, प्रदेश में भी देखें, हमारे नारी जाति ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम जहाँ उन्हें मंगल कामनाएं देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं, वहाँ ये भी चाहते हैं कि अब हर प्रकार की, जिस प्रकार से आज हमारा निगम का चुनाव बनने जा रहा है, हमारे पास 9 वार्ड जो है महिला आरक्षित हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमारी महिला के सशक्तिकरण को भी एक बल मिलता है और एक हमारी सरकार की जो हमारी अभी तक की रही है, खासकर कांग्रेस सरकारों की भी ये रही है, मैं समझता हूँ आज नारी जाति के बिना हम कुछ भी काम पूरा नहीं करते। यू कैन सी पीपल, आवर लेडीज़ आर फाइटर्स, फाइटर पायलट। हमारे मेरे अपने ही इलाके से, हमारे गांव के नज़दीक की बेटी है उषा ठाकुर, वो बहुत अच्छी पायलट हैं। आज कहीं पे भी आप देखें अंतरिक्ष में, जैसे हमारी चावला गई थी, उसी प्रकार से बहुत से और उदाहरण हैं जो आज जाहिर करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का हो, चाहे विज्ञान का हो। मैं तो कहता हूँ हमारे आर्म फोर्सेस में भी, मैं स्वयं OTA मद्रास गया था और पाया कि लड़कियों का जो काम है, करने का तरीका है, वो हमारे पुरुष बालकों से अच्छा है। उनकी फायरिंग, उनकी राइडिंग, उनकी रेसिस में और हर प्रकार के ट्रेनिंग में काम करना बहुत अच्छा। जब मैं प्रशिक्षण कमान में स्वयं था,